हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे बेबी फ्रॉक में बंडी कैसे लगाई जाती है अम्ब्रेला फ्रॉक में। तो ये मेरे पास कपड़ा है, तो इसको फोर फोल्ड कर देंगे पहले। इस तरह से टू फोल्ड कर दिए। टू फोल्ड करने के बाद इसको फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर लिया है इसको, ये फोर फोल्ड में है, इधर वाला बंद साइड है, इधर ओपन है। देखिए इसका लंबाई का, पहले लंबाई निशान लगा लेंगे, यहाँ से रखेंगे इंची टेप को, और 15 इंची पे है, 14 इंची तैयार है, तो 15 इंची पर इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से हो गया, और 3 इंची पर कमर के लिए लगाएंगे, साल से 2 साल के बच्ची के लिए। इसको कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो सामने से छोट बार भी रख सकते हैं। फ्रॉक के लिए टॉप कटिंग करेंगे, तो यह सामने का है। सामने से 3 रखेंगे ओपन में, और इधर से 2 इंची रखेंगे। यहाँ से 3 रखेंगे शोल्डर, आर्म होल 4 रखेंगे, बच्चा के लिए है। और 2 इंची इधर से 1.5 इंची लूजिंग के लिए रख देंगे।
इसके तो नीस पे गला में को गला गुलाई दे देंगे। कपड़ा कम है इसलिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस पे मार्क लगा देंगे। इसी के निशान पर से इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड पल्ला है, इसमें गला को पहले पूरा सेट कर लेंगे। अच्छा पर गला का निशान पर से कट कर लेंगे। इसमें से कट थोड़ा भी नहीं करेंगे, इस पल्ला में से कट करेंगे एक एक इंची इस तरह से, एक एक इंची का गोलाई देते हुए। और यहाँ से 1.5 इंच पर गोलाई दे देंगे इस तरह से इसको। मिलाते हुए कट कर देंगे। ये बंडी का कटिंग हो गया है और बैक बंडी को कटिंग करेंगे। बच्चा के लिए आप बैक से इसमें जिप लगाएंगे, तो इसको दूसरा पल्ला था इस पे रख देंगे इस तरह से, तरह से इसको रख देंगे। इस पे निशान लगा लेंगे। गला के यहाँ से निशान नहीं लगाएंगे, हल्का 1 इंची लगाएंगे गला का निशान और इधर आर्म होल का निशान लगा देंगे। एक इंच आ रहा है, इस पर से कटिंग कर लेंगे।
से आर्म होल को कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से चैन लगेगा यहाँ तक ले, इस तरह से ये बैक पल्ला है। इस तरह से फ्रॉक का लुक आएगा सिलाने के बाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।